नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ करणी। आप सभी को पता है कि जो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है आदि पुरुष, जो रामायण के ऊपर आधारित है, और जिस तरह इस फिल्म में, पहले तो मुझे सुनाई पड़ा कि इस तरह में गलत डायलॉग इस फिल्म में यूज किए गए हैं, लेकिन मैंने कल खुद जाके इस फिल्म को देखी, उसके बाद पता चला कि इसमें हनुमान जी द्वारा किस तरीके से गलत डायलॉग इसमें यूज कराए गए, और रावण द्वारा जो कि ब्राह्मण था और जो मांस को हाथ लगा रहा है और चमगादड़ को मांस खिला रहा है, इस तरीके से रामायण का अपमान किया गया है। हमें पहले भी करणी सोनादरा, आप सभी को पता है कि हमने बॉलीवुड के हमेशा खिलाफ खड़े रहे हैं, और बॉलीवुड वालों को हमेशा समय समय पर हमने चेतावनी दी है कि इतिहास की छेड़छाड़ नहीं की जाए। पद्मावत फिल्म हो, मणिकर्णिका फिल्म हो, उसके बाद कई ऐसी फिल्में आई जिसमें समाज और संस्कृति को अपमान किया गया है। मैं बॉलीवुड वालों को और इसमें डायरेक्टर राइटर ओम राउत, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह इस फिल्म में तुमने अपमान किया है भगवान राम का और हनुमान जी का, इसी तरह भरी भीड़ में तुम लोग को, तुम्हारे राइटर को, और इसी तरह भीड़ में तुमको हम अपमान करेंगे, जूतों की माला बनाएंगे, क्योंकि इस तरह हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदू अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ और इतिहास का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम करणी सेना की पूरी टीम हमेशा बॉलीवुड के खिलाफ थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने आदेश दिया है कि जहां पे भी इसके डायरेक्टर राइटर मिले, इनको जूतों की माला बनाओ और इनको जनता के बीच अपमान करो। और मैं चेतावनी देता हूं, पहले भी मैंने कई बार बॉलीवुड के भांडों को मैंने समझाया है कि इस तरीके से साथ छेड़छाड़ मत करो, और अब बोल रहा हूं इस तरीके से डायलॉग यूज करते हैं, जलेगी तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, इस तरीके से भगवान हनुमान जी इस तरीके से शब्द का उपयोग करते थे क्या? और रावण के द्वारा जो मांस खिलाया जा रहा है चमगादड़ को, वो तो ब्राह्मण था, मांस को कभी हाथ भी नहीं लगा था, और इस तरीके से आप लोग पेश कर रहे समाज के सामने। आपको इतिहास के ऊपर फिल्म बनानी है तो अच्छी फिल्में बनाओ, जैसा बाहुबली बनाई थी तो हमने उसके खिलाफ नहीं बोला, पद्मावत में हमने विरोध किया और उसमें सीन कट करवाए, और उसके बाद भी जो भी फिल्म आई है, अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे, मैं चेतावनी दे रहा हूं और मैं खुला बोल रहा हूं, जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है उनको हम भरी भीड़ के अंदर अपमानित करेंगे, चाहे उनको छाटा मारना पड़े या जूतों की माला पहननी पड़े। और मैं पूरे देशवासियों